स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस नई वीडियो हम आपको लगा के दिखाने वाले एलिवेशन के कुछ दो तीन स्टेज केसेस, जिसके अंदर हम बनाएंगे कुछ ट्रेंडिंग डिजाइन जो कि अभी इंस्टा रील पे और बाकी जगह पे ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए मैं भी बना देता हूँ ऐसा डिजाइन और आपको भी बता देता हूँ कि इस तरह से मैंने बनाया, कितने इंच का लिया है, किस तरह से कटिंग किया है, सब आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अपना स्टेयर केसेस, जो कि यहाँ पर टोटल तीन स्टेयर केस है और ये रही हमारी बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के सामने तीन स्टेयर केस है, किस तरह से हमारे को बनाने का है आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जाम किया पहला टप्पा और उसके बाद में राइजर का जो डिजाइन मैंने बताया था, अभी ये देख सकते हो इधर से, अभी ये टोटल आठ इंच के बाद यहाँ पर दो इंच लेके इस तरह से कातरा किया गया, मतलब कातरे का साइज जो है वो दो इंच आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख के भी समझ जाओगे किस तरह से कटिंग करने का और किस तरह से बनाने का है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्लेन टाइल्स लिया गया है और एक बाजू में इस तरह से लिया गया है, दूसरे बाजू में सिर्फ दो इंच का कातरा किया गया है और यहाँ पर अभी देख ही सकते हो आप एक मतलब पूरा कातरा, उसके बाद में दो इंच की पट्टी, वो भी वहाँ पर दो इंच का कातरा, उसके बाद में एक ब्लैक पट्टी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो पहला टप्पा मैंने लगाया था इस तरह से, दूसरा टप्पा अभी यहाँ पर लगा दिया है, बच गया अभी अपना लास्ट वाला तीसरा टप्पा। तो वहाँ पर भी थोड़ा अलग डिजाइन आएगा, जैसे कि नीचे के हिसाब से ऊपर का वो चेंज कर देता हूँ, मतलब नीचे यहाँ पर इस तरह से है तो वो वाला वहाँ पर जाएगा और उसके बाद में जो यहाँ पर है ये वाला डिजाइन वो वहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट लगाते हैं क्योंकि सब सेम करके कुछ अच्छा नहीं दिखता, अगर कुछ अलग रहता है तभी अच्छा लगता है अपने को। तो चलिए अभी ऊपर का भी किस तरह से हमने लगाया वो भी आपको दिखा दूंगा और उसके बाद अभी आप देख लीजिए पहले कि डिजाइन किस तरह से दिख रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी कुछ इस तरह से। अभी हमारा दो टप्पा लग चुका है, तीसरा वाला राइजर भी अभी हमने मतलब खड़ा कर दिया, जो कि देख सकते हो आप इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया था। अभी डिजाइन जो है वो इस कोपरे में बनने वाला, तो डिजाइन का पीस मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके रखा है, किस तरह से कटिंग किया थोड़ा आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर अभी राइजर कट करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कट किया है उसी तरह से यहाँ पर राइजर कट करना है। तो चलिए पूरा राइजर कट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कट किया था। तो यहाँ पर मैंने कट करके फिट भी कर दिया है, अभी नीचे वाला किस तरह से कट करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी अपना जो डिजाइन था वो फिट हो चुका है, अभी बच गया है सबसे नीचे वाला, बाकी अभी रेती और सीमेंट डाल के इसको भी कर देंगे फिट और फिट होने के बाद पूरा टप्पा काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। और अगर आप बनाते हो तो आप देख के भी समझ सकते हो कि किस तरह से मतलब बना हुआ है और उसी तरह से आप बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से भी जो कातरा था उसका कुछ इस तरह से भी कटिंग किया था, जो कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो सामने कुछ इस तरह से कटिंग किया था। अभी इस तरह से पट्टी रख के दो इंच की मार्किंग किया था, उसके बाद में यहाँ पर दो तीन मार्किंग करना पड़ेगा आपको अगर उस तरह से बनाने का है तो आप मार्किंग कर लेना, उसके बाद मशीन से मतलब कट कर लेना। यहाँ पर एक तो मैंने मार्किंग कर दिया था, दूसरा भी मार्किंग कर लेता हूँ और करने के बाद पूरा कटिंग करेंगे इस तरह से। अभी पानी लगा के थोड़ा कट करेंगे, तो चलिए आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से दो मैंने मार्किंग लगाई, अभी तीसरा भी मार्किंग लगाने का है। तीसरे मार्किंग के अंदर मतलब एक जो दो इंच की पट्टी आएगी वो निकल जाएगी और एक की जगह पे ब्लैक वाला आ जाएगा, बस इतना ही आपका होगा, मतलब यहाँ पर तीनों पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से भी मैं कट करूँगा, कट करने के बाद लगाएंगे, थोड़ा आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे डिजाइन में क्या होता है ज़रा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा पार्ट लगने वाला है कौन सा पार्ट नहीं लगने वाला है। तो कुछ इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से भी आपको कटिंग कर लेना है कातरे के अंदर। आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, मतलब दो इंच हमने लिया है तो आप सवा दो इंच कर सकते हो, ढाई इंच कर सकते हो, बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से कातरा आपको कट करना होगा। मतलब कोई भी हमने फर्मा नहीं बनाया, आप अगर फर्मा बना के कट करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन हमने फर्मा नहीं बनाया क्योंकि दो तीन ही स्टेयर केस थे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। तो आपका अगर ज़्यादा स्टेयर केस रहेगा तो आप फर्मा बना के कर लेना और कम स्टेयर केस है तो आप डायरेक्ट हैंड कटिंग भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग किया। तो कटिंग करने के बाद अभी एक जो मैं हाथ में रखा हूँ ये पीस मैं यूज़ करूँगा और दूसरा वाला पीस जो भी कट किया है वो निकाल दूँगा, क्योंकि उस जगह पे अपना आ जाएगा ब्लैक वाला पीस। तो एक तो ब्लैक आएगा पहले, उसके बाद में ये जो भी मेरे हाथ में ये वाइट आ जाएगी, उसके बाद फिर से ब्लैक आ जाएगा, उसके बाद फिर से बड़ा वाला टाइल जो वाइट है वो आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी वो मैंने रख दिया, दूसरा भी अभी यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ, तो दो पीस ही मेरे को चाहिए, तीसरा वाला पीस नहीं चाहिए जो वाइट में से मैंने कट किया था। बन गई थी अभी यहाँ पर, अभी आपने देखा एक पीस ये चाहिए एक पीस ये चाहिए। तो अब मैंने ऊपर का भी टप्पा फिट कर दिया है, अभी बचा है सबसे नीचे का, तो वो भी फिटिंग करने के बाद आपको दिखा दूंगा किस तरह से लुक आया, इस तरह से अल्टरनेट जो हमने फिटिंग किया किस तरह से लुक आया वो भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो सामने दो ही राइजर लगा है और कितना अच्छा दिख रहा है। तीसरा राइजर अभी लग जाएगा तो पूरा मतलब जिस तरह से हमने डिजाइन तैयार किया था वो हो जाएगा, वो वहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अपना एक लाइन में मतलब दो एक तरीके का रहेगा और एक जो है वो अलग रहेगा। तो पूरा लगने के बाद बिल्डिंग का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये पूरे बिल्डिंग का हमने पूरा वीडियो शूट किया, लास्ट में अपना आ जाएगा एक फुल वीडियो जो कि कैसा दिखता है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने वाइट वाला टाइल फिट किया है, उसके बाद में उस तरफ जो मैंने बताया था आपको ब्लैक वाला आएगा, तो वहाँ पर ब्लैक वाला भी फिट कर दिया है। तो यहाँ पर अभी डिजाइन वाला पीस फिट करना पड़ेगा
तो उसको भी करेंगे, करने के बाद कैसा दिखता है आपको दिखाएंगे। तो आपको भी करना है तो आपको बहुत आसानी होगी, मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो अभी आप देख ही रहे हो कि किस तरह से भी दिख रहा है सामने, मतलब मैंने हैंड कटिंग से किया है। अगर आप फर्मा में करोगे तो काफ़ी अच्छा आएगा, वैसे भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आई है। तो अभी इसका पॉलिश नहीं हुआ है सिर्फ, और लास्ट का टप्पा था ग्रेनाइट ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट आया है। आपका अगर अखंड रहेगा और ग्रेनाइट का कलर और अच्छा रहेगा तो और भी अच्छा लुक आएगा। अगर आप ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट वगैरह यूज करते हो तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको भी राइजर में डिजाइन बनाना था तो मैंने वीडियो बना दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी एक लॉन्ग वीडियो आने वाला इसी चैनल के ऊपर, जो कि पूरा रेडी होने के बाद किस तरह से दिखता है। तो चलिए इंतजार करते हैं उस वीडियो का, तब तक के लिए।